हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि इस तरीके का अमेजिंग सा लुक सस्ते प्रोडक्ट से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। उसमें कुछ मैं ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगी जो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल के साथ साथ उनका जो काम है बहुत अमेजिंग है। तो दोस्तों, क्लीनअप के लिए मैं यूज करूंगी अरोमा या आयुर का कोई भी आप ले सकते हैं, क्लींजर, क्लींजिंग मिल्क। और यहाँ पर जो मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मेकअप का हमारा, तो यहाँ पर ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का है, ये अंडर आपको 150 मिल जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छा है, ना बहुत क्रीमी है ना बहुत वाटरी है, जो आपकी स्किन में अच्छे से चला जाता है और आपको एक अच्छा सा शाइन देता है और आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होता है। और इसके लिए जो आई लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वो रेवोल्यूशन की पैलेट, अक्सर आमतौर पे फेस्टिव सीज़न पर ये आपको सेल में मिल जाएगा। बिना सेल के ये महंगा है, लेकिन ये सेल में अक्सर रहता है और आपको 300 टू 500 के अंडर किसी भी रेंज में मिल सकता है, जो कि आप अफोर्डेबल पैलेट मानिए, क्योंकि इसमें 12 कलर्स है जिसमें से 3 और 4 जो है वो मेटालिक है, बहुत ही अमेजिंग शेड है मेटालिक के। और जो आपके जो दूसरे जो मैट शेड हैं उनका जो आप पिगमेंट देखोगे ना, बड़ा ही कमाल का है। यहाँ पर मैं आई लुक में कोई बहुत ज़्यादा ड्रामास्टिक नहीं करने वाली हूँ, मैं क्रोमोमेटिक में ही जा रही हूँ। यहाँ पर मैं ग्रीन के 2 शेड यूज़ करूँगी, एक लाइट एंड डार्क, और उनको मर्ज करके एक सैटल सा सिंपल सा आई लुक बनाऊंगी जो कि आप इजीली अपने घर पर क्रिएट कर सकते हैं। एज यूजल आई की लिड पर मैं ट्रांजिशन कलर दूंगी मेरे वही फेवरेट ब्राउन के शेड से, लाइटेस्ट शेड मैं इसमें यूज़ करती हूँ। और इसके बाद जो मैं इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में दूंगी उसमें डार्क ग्रीन दूंगी, डार्क ग्रीन के बाद लाइट ग्रीन से मैं मर्ज कर दूंगी। आप देखिए और मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये 2 कलर है जो साथ साथ में डार्क एंड लाइट, यही मैंने यूज़ किया डार्क वाला इनर और आउटर कॉर्नर पर, और मीडियम को मैंने ब्लेंडिंग करी है लाइट वाले ग्रीन से। तो ये मतलब कि ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया मेरे बच्चों से आया। मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम कुछ अफोर्डेबल बताओ हमें, हमें ऐसे क्लाइंट तो नहीं मिलेंगे ना जिनको मैं इनको हम इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना हायर जो हुडा ब्यूटी है या रिकॉर्ड है या फिर उसके बाद आप कोई भी ऐसे ले सकते, लॉरियल का ले सकते हैं, जो हमारा मतलब 1000 से मतलब अबव जो हमारे फाउंडेशन है। तो कुछ ऐसे क्लाइंट के लिए भी हमें कुछ दो जो हम स्टार्टिंग में हमें मिले थोड़े से, जो कम रेंज में करवाना चाहते हैं, तो मैं हम उनको भी अफोर्ड कर सके। तो तब मैंने उनको बताया ये पैलेट स्विस ब्यूटी की, जो बहुत ही अच्छी है। और बस क्या होता है, चीपर प्रोडक्ट में काम वो उतना ही अच्छा करके देते हैं, जैसा कि आपने शुरू में वीडियो में देखा कि कितना अच्छा लुक निकल के आया। लेकिन क्या होता है, ऐसी कुछ ट्रिक्स होती है जो हमें समझनी होती है, जो हमें करनी होती है। जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो अपने आप में इतने अच्छे होते हैं कि उनके ऊपर काम, उनके साथ काम करना ही नहीं पड़ता। और जो चीपर प्रोडक्ट होते हैं उनको लगाने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है जो हमें लगानी पड़ती है, जो कि आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो मैं आईब्रो के लिए पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइट की है और बहुत ही अमेजिंग है, और 100 और 150 के अराउंड आपको मिल जाएगी। तो ये जो पैलेट है स्विस ब्यूटी की है, इस 500 की पैलेट में आपको हर कलर का बेस मिल जाएगा, आपको आपको आपका वो मिल जाएगा, कॉन्टोर मिल जाएगा, आपको करेक्टर मिल जाएगा। तो यार है ना, 500 रुपये में आपको सारी चीज़ें एक पैलेट में मिल रही है, और इसका काम भी आप देख चुके हैं शुरू में, जो वीडियो में कुछ क्लिप्स डाली, अमेजिंग है। बट इसमें जो ट्रिक लड़ानी है बस मैं वो आपको बताने वाली हूँ। आपने पहले कॉन्टोर करना है, सॉरी आपको पहले करेक्शन करना है, जहाँ जहाँ आपका ब्राउन प्रॉब्लम है वहाँ पर इसको थोड़ा सा जो आपके अदर होते हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि इसका पिगमेंट थोड़ा लाइट है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज़रूरी जो एक ट्रिक है वो ये है कि इसको लगाने के बाद इंस्टेंट ब्लेंड नहीं करना, एक दो सेकंड का इसको रेस्ट देना है। फिर क्या होता है, जब हम इसको रेस्ट देते हैं ना, ये हमारी जो वो जगह है जिसको हम हाइड करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर अच्छा सा एक कवरेज दे देता है। तो इसको आपको बस यही है कि इसका थोड़ा सा आपको मात्रा है जो प्रोडक्ट की, वो थोड़ी सी लिटिल बिट ज़्यादा लेनी है, अकॉर्डिंग टू स्किन लेनी है। अगर आपका फेयर स्किन टोन है, अगर आपको कुछ अपना कोई नया स्किन टोन नहीं क्रिएट करना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छा होता है, क्रीमी इसका फॉर्मूला है, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अब देखा आपने, मैंने जिस तरीके से पहले क्या करा, मैंने करेक्शन किया, अब मैं कर रही हूँ न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मीन भी मैंने कई वीडियो इसमें डाली हुई है, शॉर्ट भी डाला है। शॉर्ट तो यार 1 मिनट का होता है, आप उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कर दो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किन का 2 टोन जो डार्क होता है ना, वो सारा जो ऑरेंज ऑरेंज है ना, उसके ऊपर मतलब पेस्ट लगाना होगा। क्योंकि जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना, पहले ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा था, अब वो आपको ऑरेंज कहीं नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर मैं जो हमारी मॉडल है,
जो हमारी स्टूडेंट है, ये हमारी इस वक्त मॉडल स्टूडेंट दोनों हैं, तो उसके फेस का मैं वो बना रही हूँ, शेड बना रही हूँ। शेड बनाने के बाद पहले मैंने थोड़ा सा अपने पूरे फेस पे लगाकर एक मतलब कि फर्स्ट कवरेज दे दी है। और आप ये ध्यान रखना, जब आप कोई भी मतलब थोड़ा सस्ता पैलेट यूज़ करते हैं, अफोर्डेबल पैलेट यूज़ करते हैं, मैं इनको बेकार नहीं बोलूँगी क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है, तो लेकिन जब आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ना प्रोडक्ट मैंने कहा ना थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी। ब्लेंडिंग आप बहुत ज़्यादा करेंगे या ड्राई उससे करेंगे, ड्राई आपका ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे, तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट जो आपने फेस पे लगाया वो सारा उठ के आपका ब्लेंडर में ही आ जाएगा, और इनका जो ब्लेंडिंग है ना बहुत जल्दी भी हो जाती है। तो आपको ब्लेंडिंग बहुत ही हल्के हाथ से, हल्के हाथ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपना ब्यूटी ब्लेंडर या अपना ब्रश को थोड़ा दूर से पकड़ें, तो उसका प्रेशर ज़्यादा जाएगा ही नहीं। तो आप ब्लेंडिंग करें, कम करें, आपका प्रोडक्ट उठ के ना जाए। जैसे कि आपने पहले देखा कि मैंने एक सिंगल टोन दिया था, उसके बाद हल्का सा लिफ्ट अप करके मैंने एक मतलब कि शेड और दे दिया है। और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं कंसीलिंग। कंसीलिंग मैं जो लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ, इससे भी आपको एक अच्छी कवरेज मिलेगी। इसमें फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि 2-3 शेड लाइटर होना चाहिए, ये आपके स्किन टोन को एक अमेजिंग रिजल्ट देगा जैसा आपको चाहिए। और उसके बाद इसको स्ट्रे जरूर करें, एकदम इंस्टेंट ब्लेंड ना करें, बस ये आपको जरूर याद रखना है। आप देख रहे हैं जिस एरिया पे मैंने लाइट शेड लगाए हैं, उसी एरिया पे लगाएंगे आप ये लाइट शेड। इससे क्या होगा, आपके जो फीचर्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे से निकल के आएंगे, आपका फेस बहुत शार्प लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और तो आप वीडियो में देखें तो धीरे धीरे बताती रहूँगी। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ब्लेंडिंग कर रहे हैं, देखो मैंने कितने दूर से पकड़ा है, सिर्फ ऊपर से टिप पकड़ा और हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड किया। और इसको ना ब्लेंड करने में दिक्कत आएगी नहीं, आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये पैलेट चीपर और अफोर्डेबल उसके साथ साथ गजब की क्यों है, पॉकेट फ्रेंडली है, इजीली ले सकते हैं, बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत ही हर मॉल में आपको इसका कोई ना कोई स्टोर मिल जाएगा। और नायका पर लो तो अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारे ऑफर ही मिल जाते हैं बहुत टाइम। और जो मेरे लोकेशन में रहने वाले फ्रेंड्स हैं वो क्राउन टियरी में जाइए, फर्स्ट फ्लोर पर मिड में ही इसका बहुत बड़ा स्टोर है, बार ओपन में ही है इसका, मतलब बंद स्टोर नहीं है, बार ओपन में ही इन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पॉन्ड्स का लूज़ पाउडर है यार, ये बहुत ही मतलब कि आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें जो प्रोडक्ट है वो सारे ही आपको ऐसे मिलेंगे जो आप ले सकते हैं, जो आप अफोर्डेबल रेंज जिसको चाहिए उसके लिए, क्योंकि फिर क्या है ये एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो इतनी जल्दी ख़त्म ना हो तो फिर हमारा बेकार ही जाता है पैसा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मैंने जो यूज़ किया है ये अपना लूज़ पाउडर, ये पॉन्ड्स का है, और मैं डस्की स्किन के लिए जो येलो कलर का पाउडर है वो यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने करा क्या है, जो आईज़ के नीचे जहाँ जहाँ आपने हाईलाइट किया था, आईज़ के नीचे अराउंड ऑफ द माउथ और अपना फोरहेड पर, वहाँ पर मैंने वो स्टे करेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। और जो 1 मिनट जो आपका जो इसका पाउडर का जो वो आपका पफ होगा, उसमें जो बचा हुआ है वो मैं सारे फेस पर हल्का हल्के हाथ से लगा दूंगी। अब 1 मिनट के बाद फैन ब्रश से, या फिर आपके पास कोई भी ब्रश होगा, आपका पाउडर ब्रश भी होगा तो भी चलेगा, आपका ब्लश वाला भी होगा तो भी चलेगा, बट थोड़ा उसके अंदर से क्लीन कर लेना, पिगमेंट नहीं होना चाहिए। तो फैन ब्रश से मैं सारा जो मैंने ये आईज़ के अंडर, आईज़ अराउंड द माउथ फोरहेड जहाँ भी लगाया था उसको डस्ट आउट कर दूंगी। और उससे क्या होगा, आपकी जो आईज़ के नीचे हैं जहाँ पर हमारी शेडोज आ जाती हैं वो एकदम मतलब कि उठ के आएंगे, एकदम मतलब कि बहुत अच्छे से, मतलब कि गड्ढा या ब्लैक ब्लैक नहीं लगेगा। इसके बाद मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर जो पाउडर वाला इसमें यूज़ किया है, मतलब पाउडर ही कॉन्टोर कर रही हूँ ना, तो इसके लिए एक किट है, वो किट है आपकी फिर से स्विस ब्यूटी की। इसमें तीनों चीज़ आपको इकट्ठे मिल जाएगी, आपको ब्लश मिल जाएगा, आपको हाइलाइटर मिल जाएगा और आपको कंटोर भी मिल जाएगा। और तीनों के शेड बहुत ही अमेजिंग है, पिगमेंट बहुत ही अच्छे हैं, आप इनसे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने लाइट शेड से कंटोर कर दिया है नोज़ पर और साइड में चिक के साइड में। तो अब इसके बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लश के लिए भी मैंने फिर से भी बताया ना, मैंने एक ही पैलेट लिया जिसमें तीनों के तीनों शेड आपको मिल जाएंगे। मैं सब के जो लिंक हैं आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बाकी पिक्चर आप साइड में देख ही रहे हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा अमेजिंग सा लुक, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और ये बहुत अफोर्डेबल है। अंडर मतलब कि आपको सारे प्रोडक्ट 100 या 150 में मिल जाएंगे। और आप देखिए कितना सुंदर ये लुक रेडी है। और हम आपको ये लुक पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट भी जरूर लिखना। बाय।